मान लीजिए मैं आपको यहाँ पे उत्तराखंड का इतिहास आपको यहाँ पे कवर करा रहा था, जिसके अंदर मैंने लास्ट लेक्चर के अंदर आपको यहाँ पे शक वंश मैंने आपको यहाँ पे पढ़ाया था, ठीक है। अगर आपको याद हो, अगर आपने वो वीडियो देखा हो क्लियरली, तो मैंने वहां पे बताया था कि उत्तराखंड में शकों ने यहाँ पे आके सूर्य उपासना की, क्लियर है, शकों ने यहाँ पे आके सूर्य उपासना की, और उत्तराखंड के अंदर जितने भी सूर्य मंदिर हैं वो सब के सब प्रमाण पे यहाँ पे शकों के पुष्टि का प्रमाण पत्र है, शकों की पुष्टि यहाँ पे वो मंदिर करते हैं, ठीक है। यानी कि मैं आप क्या शक वंश ही मैं पढ़ा रहा था, क्लियर है, शक वंश मैं आपको यहाँ पे बता रहा था, ठीक है, जिसके अंदर मेरा शक वंश के अंदर जो मेरा टॉपिक है ये, इसके अंदर एक सब टॉपिक आया है यहाँ पे, क्लियर है, इसके अंदर एक सब टॉपिक मुझे मिला, कौन सा भैया, क्या सूर्य मंदिर, ठीक है, उत्तराखंड के प्रमुख, ठीक है, उत्तराखंड के प्रमुख सूर्य मंदिर, मैंने ये बोल दिया, कोई टेंशन, बहुत सिंपल सी बात होती है, क्लियर है, ठीक है। तो जब सरपंच के अंदर सरपंच का टॉपिक है, इसके अंदर सब टॉपिक आता है, मतलब यहाँ पे उत्तराखंड के प्रमुख सूर्य मंदिर, जब मैं यहाँ पे बात कर देता हूँ भैया सूर्य मंदिर की, क्लियर हो गया, तो बिना सोचे समझे मेरे दिमाग में तो तीन नाम आ जाते हैं, कितने भी यहाँ पे, ठीक है, उत्तराखंड के प्रमुख सूर्य मंदिरों की जब बात करता हूँ तो भैया कितने सूर्य मंदिर यहाँ पे, तीन सूर्य मंदिर यहाँ पे नजर आ जाते हैं, ठीक है, मैं जरा सा लिख के चल देता हूँ भैया, ठीक है, तीन सूर्य मंदिर में पहला सूर्य मंदिर जो आता है इसका नाम भैया क्या, तो मैं तो पता ही होगा, बड़ा आसान था, ठीक है, इसे बोलते हैं यहाँ पे बड़ा द्वितीय सूर्य मंदिर, कौन सा, ठीक है, पहला कौन सा, पहला नाम पे क्या, बड़ा द्वितीय सूर्य मंदिर, कोई टेंशन, कोई दिक्कत नहीं, क्या कर रही है, और दूसरा जो मंदिर यहाँ पे आता है, ठीक है, दूसरा जो मंदिर यहाँ पे आता है, तीन मैंने बोल दिया, ठीक है, दूसरा जो यहाँ पे मंदिर आता है उसका नाम है क्या, पलेठी का सूर्य मंदिर, कौन सा, पलेठी का सूर्य मंदिर, लिख के देता हूं यहाँ पे, पलेठी का सूर्य मंदिर मैंने बोल दिया है, कोई टेंशन, कोई दिक्कत नहीं, मुझे लिख गया, और तीसरा जो यहाँ पे सूर्य मंदिर है, ठीक है, वो आता भी है यहाँ पे कंडारा सूर्य मंदिर, कौन सा, कंडारा सूर्य मंदिर, अभी सभी कुछ इनके बारे में पता की देता हूं, कर गया, कौन सा यहाँ पे कंडारा सूर्य मंदिर मैंने यहाँ पे बोल दिया है, कोई दिक्कत, कौन टेंशन नहीं होनी चाहिए, एक एक करके पढ़ के चल लेता हूँ, सबसे भैया पहला वहां जहाँ पे कौन सा, बड़ा आदित्य का सूर्य मंदिर पहले मैं यहाँ पे पढ़ के चलता हूँ, उसके बाद दोनों अलग अलग, कोई टेंशन, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब जब मैं बड़ा आदित्य सूर्य मंदिर की बात करता हूँ तो ध्यान रखना, इस बड़ा आदित्य के अंदर भैया अगर मैं इसे खोल करके देखूं तो मुझे यहाँ पे दो शब्द दिखते हैं, क्लियर हो गया, एक शब्द दिखता है यहाँ पे मुझे बड़, क्लियर नहीं है, और दूसरा शब्द दिखता है भैया क्या, क्योंकि अलो में आ की मात्रा लगी है भैया, एक दिखता है मुझे आदित्य, क्लियर हो गया, एक कौन सा यहाँ पे बड़, दूसरा यहाँ से भैया आदित्य मुझे नजर आ रहा है, क्लियर है, ठीक है, कोई दिक्कत किसी को, कोई टेंशन नहीं है, बताना यहाँ पे बड़ का मतलब, ठीक है, बड़ का मतलब यहाँ पे बड़ के पेड़ से है, कोई टेंशन क्या, बड़ का मतलब किससे, यहाँ पे बड़ के पेड़ से, यानी एक पेड़ होता है उत्तराखंड के अंदर जिसे हम बड़ के पेड़ के नाम से अलग कर रहे हैं, और आदित्य का मतलब भैया सूर्य से है, क्लियर है, सूर्य का पर्यायवाची आदित्य होता है, कोई टेंशन, बहुत सिंपल सी बात है, पता नहीं क्यों है। अब क्योंकि ये जो बड़ा आदित्य का सूर्य मंदिर है, ध्यान रखना, बड़ मतलब पेड़ बताया, ठीक है, और आदित्य मतलब सूर्य बताया, ठीक है, तो इस मंदिर के अंदर बड़ के पेड़ की लकड़ी से बना हुआ, क्लियर हो गया, बड़ की लकड़ी से बना हुआ क्या भाई, सूर्य भगवान की यहाँ पे क्या है, मूर्ति है, क्लियर हो गया, मैंने कहा पे है, ठीक है, इस मंदिर के अंदर क्या लोग भैया बड़ के पेड़ से, पेड़ की लकड़ी से बनी यहाँ पे सूर्य भगवान की मूर्ति यहाँ पे है,
कोई टेंशन क्या, इसीलिए तो इस सूर्य मंदिर को बड़ा दित्य का सूर्य मंदिर भी कहा जाता है। क्या पे, इसीलिए क्या होता है, बड़ा दित्य का सूर्य मंदिर इसे बोला जाता है। मैंने बोल दिया, कोई टेंशन, कोई दिक्कत नजर नहीं आ रही भैया। अब दूसरी बात यहाँ पे आ जाती है कि भैया ये बड़ा दित्य का सूर्य मंदिर है कहाँ, क्लियर है कि नहीं है। दूसरी बात यहाँ पे याद आती है, ध्यान रखना क्या, कि ये जो सूर्य मंदिर है ये कहाँ है भैया, ठीक है। तो इसका आंसर मुझे एकदम से झट से दिमाग में आ जाता है, भैया कहाँ है भैया, ये है अल्मोड़ा के अंदर। कहाँ पे, बहुत सिंपल सी बात मैंने बोल दिया, रट लिया, ये अल्मोड़ा के अंदर है, मैंने बोल दिया है अल्मोड़ा के अंदर ये है भैया, ठीक है। ध्यान रखना, अल्मोड़ा के अंदर एक गांव पड़ता है भैया सुनार गांव। कौन सा, अल्मोड़ा के अंदर एक गांव पड़ता है सुनार गांव, जहां पे ये मंदिर स्थित है। कोई दिक्कत, कोई टेंशन नहीं है भैया, कोई दिक्कत क्या, बहुत सिंपल सिंपल सी बात मैंने आपको यहाँ पे ये बता दी है, ठीक है। अब एक बात और आ जाती है, ठीक है, ये जो मंदिर है भैया, ये भैया किसने बनाया, किसने बनाया ये मंदिर, कोई दिक्कत, कोई टेंशन की बात नहीं है, क्लियर है। तो ध्यान रखना, ये मंदिर जो बनाया है, ये बनाया एक कत्यूर शासक ने, किसने, यहाँ पे कत्यूर वंश, एक शासक हुआ जिसका नाम क्या हुआ, राजा कटारमल। क्लियर है कि नहीं है, क्या नाम है इसका, इस राजा का नाम हुआ भैया क्या, राजा कटारमल। क्लियर है, राजा कटार मल इसका नाम हुआ, मैंने ये बोल दिया है, ठीक है, क्योंकि ये मंदिर राजा कटार मल ने बनाया, इसीलिए इस मंदिर का एक और नाम पड़ गया भैया, कौन सा, कौन सा, कटार मल का सूर्य मंदिर। क्लियर है कि नहीं है, बहुत सिंपल, कोई दिक्कत क्या। अगर तुम मुझसे पूछोगे भैया कि इन दो नामों में से ज्यादा फेमस कौन सा, मैं तो यही बोलूंगा कि कटार मल का सूर्य मंदिर ज्यादा प्रसिद्ध नाम है, कोई टेंशन, बहुत सिंपल जी बात। एक नया नाम आ गया इसका, नया नाम कौन सा, कटारमल। क्लियर क्या, कटारमल का सूर्य मंदिर यहां पे मैंने ये बोल दिया, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत तो मुझे यहां पे नजर आ नहीं रही है, क्लियर हो गया, बहुत सिंपल सी बात, ठीक है। अगली बात और जरा समझ जान के चल लेता हूं कि ये मंदिर आखिर बना कब, भैया राजा कटारमल ने बनाया ये मंदिर, तो भैया ये मंदिर कब बना, मैं इसी को आगे लेके चल देता हूं, ठीक है, ये मंदिर कब बना मैंने बोल दिया है, कोई टेंशन, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए भैया, क्लियरिटी है। तो ध्यान रखना, ये मंदिर जो बना हुआ है कहां भैया, 9वीं 10वीं सदी में ये मंदिर कहीं बना हुआ है, कहां पे, 9वीं 10वीं सदी के अंदर ये मंदिर मुझे यहां पे बना हुआ नजर आता है, क्लियर हो गया, बहुत सिंपल सी बात चल रही है ये, क्लियरिटी है। अब अगली बात यहां पे करके चलता हूं, ये मंदिर भैया किस नदी के तट पे है, क्लियर है कि नहीं है, किस नदी के तट पे ये मंदिर मुझे यहां पे नजर आता है, मैं ये भी जान के चल लेता हूं, कोई टेंशन, कोई दिक्कत नहीं है भैया, जब नदी का नाम आता है तो भैया नाम आता है कौन सा, यहां पे लिख के चल देता हूं, ठीक है। इस नदी का यहां पे नाम आता है कौन सा, कौशिला नदी, कौन सा, यहां पे कौशिला नदी के तट पे ये मंदिर स्थित है, जिस मंदिर बात ठीक है, जिस नदी को वर्तमान में हम क्या, कोसी नदी के नाम से जानते हैं, कोई टेंशन क्या, कोई दिक्कत नहीं है भैया, क्लियर नहीं है, इसे हम वर्तमान में कोसी नदी के नाम से जानते हैं, मैंने तुम्हें यह बता दिया है, क्लियर गया। इसके बारे में कुछ और बात बता के चलता हूं भैया, क्या कि जो मंदिर है इसकी ऊंचाई कितनी है, किस ऊंचाई पर यह मंदिर स्थित, क्लियर है कि नहीं है। तो ये मंदिर 2116 मीटर की ऊंचाई पे स्थित एक मंदिर है, मैंने आपको ये बता दिया है, कोई टेंशन क्या, कोई दिक्कत नहीं है भैया, ठीक हो गया। यहां पे मूर्ति किसकी है भैया, यहां पे मूर्ति किसकी है, ये बात तो मुझे बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, क्लियर है कि नहीं है। यहां पे किसका, यहां पे सूर्य की मूर्ति, भगवान सूर्य की मूर्ति तो यहां पे है, लेकिन कैसी, ध्यान रखना, कल्पना करना, यहां पे बूटधारी सूर्य भगवान की यहां पे मूर्ति है, किसकी, लो भैया लिख के चलो यहां पे, क्लियर है कि नहीं है, बूटधारी, बूटधारी सूर्य भगवान, ठीक है, सूर्य भगवान
की मूर्ति यहां पे नजर आती है, यहां पे देखने को मिलती है। कोई टेंशन कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसके अलावा भी यहां पे मूर्तियां हैं। विशेष रूप से यहां पे एक विष्णु की मूर्ति यहां पे है। किसके यहां पे? विष्णु की मूर्ति। और इसके साथ साथ में यहां पे गणेश भगवान की भी मूर्ति यहां पे देखने को हमें मिल जाती है। कोई टेंशन क्या? बहुत सिंपल सी बात हो। चलिए ठीक है, एक बात और ध्यान रखना, जो ये मंदिर है, क्लियर है कि नहीं है? कोई टेंशन यहां पे? ये जो मंदिर है वास्तव में एक मंदिर ना होके बल्कि एक मंदिर समूह है। क्लियर है कि नहीं है? क्या बोला पे? वास्तव में एक मंदिर ना हो गया पे, मंदिर समूह है भैया। क्या बोला पे? ये क्या यहां पे? एक मंदिर समूह है, मैंने ये बोल दिया है। अब जब मंदिर समूह है तो यहां पे एक बात और इसमें जुड़ जाती, आखिर कितने इसमें मंदिर हैं, इस समूह के अंदर कितने मंदिर हैं, ये बात जुड़ जाती है। क्लियर है? तो इसका आंसर मुझे मिल जाता है भैया क्या, यहां पे मंदिरों की संख्या है 45। क्लियर है? छोटे बड़े मंदिरों को मिला करके यहां पे 45 यहां पे मंदिर हैं। कोई दिक्कत क्या? बहुत सिंपल सिंपल ये बातें हो चली है। ठीक है, मैं अभी तुम्हें कटारमल सूर्य मंदिर के बारे में पढ़ा रहा हूं, मैंने ये बोल दिया। ठीक है, एक बात और जान के चल लेता हूं, क्या इस मंदिर की शैली क्या है? क्लियर है कि नहीं है? इस मंदिर की शैली क्या है, जरा सा मैं ये जान के चल लेता हूं। कोई टेंशन क्या? ठीक है, अब इस बात को तुम सभी जानते हो क्या? अगर नहीं जानते हो मैं बता के चल देता हूं। उत्तराखंड में निर्मित अधिकांश मंदिर नागर शैली के बनाए गए हैं। कहां पे? उत्तराखंड के अधिकांश मंदिर नागर शैली में बनाए गए हैं। ये भी मंदिर नागर शैली में ही बना गया। कहां पे लो भैया? नागर शैली का ये मंदिर है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, क्योंकि ये मंदिर राजा कटारमल ने बनाया है जो एक कत्यूर वंशी राजा है। क्लियर है कि नहीं है? तो जाहिर सी बात है इस मंदिर के निर्माण में झलक मिलेगी तुम्हें किसके यहां पे? कत्यूर शैली की। किसके यहां पे? नागर शैली के साथ कत्यूर शैली की भी इसमें झलक मिलेगी। कौन यहां पे लो भैया? कत्यूर शैली की इसमें झलक आपको देखने को मिलेगी, मैंने ये बोल दिया है। कोई टेंशन क्या? कोई दिक्कत नहीं है भैया। इस मंदिर की संरचना कैसी है? ठीक है, संरचना कोई दिक्कत क्या? इसकी संरचना कैसी है, जरा सा मैंने बोल दिया है। ठीक है, इसकी संरचना भैया लिख के चल देता हूं। ठीक है, इसकी संरचना मुझे यहां पे त्रिरब प्रकार की संरचना दिख जाती है। त्रिरब मतलब क्या? तीन ओर से घिरा हुआ, इस तरह से कुछ। क्लियर है? त्रिरब प्रकार की संरचना इसकी मुझे यहां पे दिख जाती है। एक बात ध्यान रख लेना, क्लियर है? इस मंदिर के जो प्रवेश कपाट है, क्या पे? इस मंदिर के जो प्रवेश कपाट है वर्तमान में वो यहां पे तो है नहीं भैया। क्लियर नहीं है? इस मंदिर के जो प्रवेश कपाट थे उनको वर्तमान में दिल्ली राष्ट्रीय संग्रहालय के अंदर रखा गया है। कहां पे? इस मंदिर के जो प्रवेश कपाट है उन्हें कहां पे? दिल्ली राष्ट्रीय, ठीक है, राष्ट्रीय संग्रहालय मैं रखा गया है, मैंने ये बोल दिया। कोई टेंशन कोनो दिक्कत यहां पे होनी नहीं चाहिए भैया। अरे कोई दिक्कत क्या? बहुत सिंपल सिंपल सी ये बातें चल रही हैं। ठीक है, भैया एक आखिरी बात इसके बारे में मैं आपको और बता के चलता हूं, वो ये कि इस मंदिर पे, क्लियर है कि नहीं है? किसमें यहां पे? इस मंदिर पे कटारमल के, सुनो मंदिर पास है, इस पे लिख के चलता हूं 1700 भैया कहां पे? ठीक है, 1743-44 में, ठीक है, इस मंदिर को 1743-44 में, क्लियर है कि नहीं है? बहुत बढ़िया। रोहेलो द्वारा, किसके यहां पे लो भैया? रोहेलो द्वारा, ठीक है, तोड़ने का प्रयास किया गया। क्लियर है कि नहीं है? यहां पे रोहेल आक्रमण हुआ और इसे कहां पे? 1743-1744 के अंदर इसे तोड़ने का प्रयास किया गया। क्लियर है कि नहीं है? पत्नी आ गया। और कहानी कुछ इस तरह से आती है कि उस टाइम पे यहां के पंडितों ने क्या किया, इस मूर्ति को जो यहां पे मूर्ति थी बड़ा आदित्य की, इसको कहीं छिपा दिया। ठीक है,
और इसमें इस आक्रमण में इसका शीर्ष भाग टूट गया, जो आज भी हमें उसी रूप में देखने को मिलता है। कोई टेंशन क्या, बहुत सिंपल सी बात है, ठीक है। 1743-44 के अंदर रोहिलो द्वारा क्या यहां पे आक्रमण हुआ, आक्रमण हुआ, क्लियर नहीं है, और इसे क्या पे और इसे ठीक है ध्वस्त करने का करने ठीक है ध्वस्त करने का प्रयास किया गया, प्रयास किया गया, मैंने ये बोल दिया। कोई टेंशन क्या, कोनो दिक्कत यहां पे होनी नहीं चाहिए, ठीक है अधनिया। यानी कि मैं पढ़ा रहा हूं उत्तराखंड के सकवंश, जो मेरा टॉपिक है उसके अंदर सब टॉपिक कौन सा, यहाँ पे उत्तराखंड के प्रमुख सूर्य मंदिर, ठीक है, जिसके अंदर मैंने अभी आपको कौन सा पे आपको बड़ा आदित्य का सूर्य मंदिर समझाया है, ठीक है, पढ़ाया है। अब मैं इसी लेक्चर को थोड़ा सा और आगे बढ़ा के चल देता हूं, चलिए ठीक है। तो यानी कि मैं आपको एक पढ़ा चुका हूं यहाँ पे कौन सा कटारमल का सूर्य मंदिर, ठीक है, मैंने यहाँ पे सूर्य मंदिरों के तीन पार्ट के थे, एक कटारमल का, दूसरा कौन सा पलेटी का सूर्य मंदिर, तीसरा मैंने यहाँ पे कंडारा का सूर्य मंदिर बोला था, ठीक है, जहां पे एक पढ़ा चुका हूं भैया कौन सा, ठीक है, कटारमल का। अब मेरे दो और बचे हैं, इन दोनों को भैया मैं एक साथ ही कर देता हूं, अरे कोई टेंशन क्या, बहुत सिंपल सी ये बात हो, चलिए ठीक है, इन्हें मैं एक साथ ही करके चल देता हूं, ठीक है। चलिए एक कौन सा बता पे लिख के चलता हूं, पलेटी का सूर्य मंदिर, कौन सा यहां पे पलेटी का सूर्य मंदिर, सूर्य मंदिर मैंने बोला है, क्लियर है। दूसरा कौन सा यहां पे कंडारा का सूर्य मंदिर, लो भैया ठीक है, कंडारा सूर्य मंदिर, सूर्य मंदिर मैंने ये बोल दिया है, कोई टेंशन क्या, बहुत सिंपल सी बात, ठीक है। चलिए पलेटी के सूर्य मंदिर की बात पढ़ता हूं, तो सबसे पहली बात आती भैया ये कहां है, क्लियर हो गया, पलेटी का सूर्य मंदिर कहां है जरा सा बता के चलता हूं, ठीक है, अरे कोई टेंशन क्या, कोई दिक्कत किसी को यहां पे नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ये मंदिर भैया कहां है, टिहरी के अंदर ये मंदिर मुझे नजर आता है, कहां पे टिहरी के अंदर मुझे ये मंदिर नजर आता है, मैंने ये बोल दिया, ठीक है, ध्यान रख लेना। टिहरी के अंदर एक ब्लॉक है, बस ठीक है, मैंने बोला आप क्या, टिहरी के अंदर एक ब्लॉक है, कोई टेंशन क्या, लो भैया एक ब्लॉक यहां पे पड़ता है, नाम यहां पे मैं लिख के चलता हूं, ठीक है। टिहरी के अंदर एक ब्लॉक पड़ता है जिसका नाम है क्या, लिखो भैया कौन सा पे, हिडोला खाल, कौन सा, हिडोला, ठीक है, हिडोला खाल एक नाम आता है, कोई टेंशन क्या, बहुत सिंपल सी बात है, ठीक है। और यहां पर एक तहसील आती है भैया जिसका नाम है देवप्रयाग तहसील, कौन सा भैया, देवप्रयाग तहसील, कोई टेंशन क्या। और इस तहसील के अंदर एक गांव आता भैया जिसका नाम है क्या, पलेटी गांव, क्लियर है कि नहीं है, क्या नाम था इसका पे, पलेटी गांव यहां पे नाम आता है, मैंने बोल दिया, ठीक है। एग्जाम में ऑप्शन के हिसाब से डिपेंड करेगा, ठीक है, कि भैया कहां है, पलेटी का सूर्य मंदिर टिहरी में भी है, पलेटी का सूर्य मंदिर हिडोला खाल के अंदर भी है, पलेटी का सूर्य मंदिर यहाँ पे कहाँ, देवप्रयाग में भी है, और ये पलेटी गांव में भी है, कोई टेंशन कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं होनी चाहिए, ठीक है। दूसरी बात जरा के चलता हूं, जहां पे ये मंदिर है, ठीक है, जहां पे ये मंदिर है, क्लियर है, इस घाटी को, क्लियर है कि नहीं है, जहां पे ये मंदिर है इस घाटी को ध्यान रख लेना भैया, ठीक है, इसकी स्थिति की बात कर रहा हूं, इस घाटी को लुलेरा घाटी, कौन सा भैया पे, लुलेरा घाटी, इसे स्थानीय नाम बोला जाता है, कौन सा यहां पे, लुलेरा घाटी के अंदर ये मंदिर नजर आता है, मैंने बोला, ठीक है। चलिए अगली बात जान के चलता हूं, इस मंदिर का निर्माण किसने किया, इस मंदिर का निर्माण किसने किया, एक नाम आ जाता है, ठीक है। तो जब निर्माण की बात आती है भैया ध्यान रखना, यहां पे नाम आता है किसके, यहां पे कल्याण वर्मन का, क्लियर है कि नहीं है, यहां पे नाम, यहां पे कल्याण वर्मन का यहां पे नाम आ जाता है, मैंने बोला है, ठीक है, कोई टेंशन क्या, बहुत सिंपल, ठीक है। अब मेरी बात सुन यहां पे क्या, इस ये कल्याण वर्मन ने इसका निर्माण कब किया भैया, अगर कुछ ऐसी बात आती है, क्लियर नहीं है, तो पलेटी के सूर्य मंदिर का निर्माण कल्याण वर्मन ने कब किया, यहां पे सातवीं, ठीक है, आठवीं सदी में कहीं यहां पे किया गया, क्लियर है, सातवीं आठवीं सदी के अंदर यहां पे कहीं इस मंदिर का निर्माण किया गया है, मैंने ये बोल दिया, कोई टेंशन कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए भैया, ठीक है। अब इस मंदिर का निर्माण जो है कल्याण वर्मन ने किया, इस बात का प्रमाण क्या है भैया, ठीक है, इस बात का क्या प्रमाण है कि यहां पे इन्होंने इस मंदिर का निर्माण किया था, तो ध्यान रखना
1968 के अंदर एक पुरातत्वविद, यहां पे पुरा ठीक है तत्वविद का यहां पे नाम आ जाता है भैया, लिख के चलता हूं ठीक है, पुरातत्वविद का नाम यहां पे आता है, कोई टेंशन क्या, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए ठीक है। इनका नाम आता है एस एन घई, क्लियर गया, एस एन घई ने क्या किया यहां पे, अरे कोई टेंशन क्या, कोई दिक्कत यहां पे नहीं होनी चाहिए ठीक है। चलिए मेरे यहां पे एस एन घई का नाम आता है, कोई टेंशन क्या, जिन्होंने क्या किया इस मंदिर का अध्ययन किया, क्या पे इसका अध्ययन किया मैंने बताया, और उन्होंने पाया यहां पे जो शिलालेख हैं, यहां पे जो शिलालेख हैं उन शिलालेखों में ब्राह्मी लिपि में, किसमें भैया पे ब्राह्मी लिपि में कुछ लिखा गया है, क्या बता के चलता हूं, क्लियर है, उन शिलालेखों में ब्राह्मी लिपि में लिखा गया क्या, महाराजा धीराज, क्लियर है कि नहीं है, लो भैया यहां पे महाराजा धीराज, अरे कोई टेंशन, किसने लिखा है बोला मैंने यहां पे, क्या लिखा पे, कौन सी लिपि के अंदर है? ठीक है, ये लिखा गया पे क्या, मतलब ब्राह्मी लिपि ना, महाराजा धीराज परमेश्वर, क्लियर गया, महाराजा धीराज परमेश्वर क्या कल्याण वर्मन, क्लियर गया, कल्याण ठीक है, कल्याण वर्मन यहां पे लिखा गया, महाराजा धीराज ठीक है परमेश्वर कल्याण वर्मन यहां पे लिखा गया है, जिससे ये बात साबित होती है भैया क्या, कि इस मंदिर का निर्माण कहीं ना कहीं किसने, यहां पे महाराजा कल्याण वर्मन ने किया है ठीक है। और इससे एक बात तो और साबित हो जाती है कि भैया कल्याण वर्मन की उपाधि क्या रही होगी, महाराजा पता नहीं क्या, महाराजा धीराज परमेश्वर की इसकी उपाधि रही होगी, हमें ये बात भी यहां से समझ में आ जाती है, कोई टेंशन क्या, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए भैया ठीक है। इसमें आगे इसी में ही मैं यहां पे एक बात आपको और बता के चल देता हूं ठीक है, कोई दिक्कत क्या, बहुत सिंपल सी बात हो, चले ठीक हो गया, ध्यान रखना इस मंदिर के पास में, क्लियर कट गए, इस मंदिर के पास में भगवान ठीक है, भगवान शिव का भी एक मंदिर है, क्लियर है कि नहीं है, इस मंदिर के पास में भगवान शिव का एक मंदिर है जिसे हम बोलते हैं क्या चमनेश्वर महा, जिसे हम बोलते हैं क्या चमनेश्वर महादेव, चमनेश्वर महादेव का मंदिर इसे बोला जाता है, पेपर में पूछा गया हुआ है, ध्यान रखना ठीक है, चमनेश्वर महादेव का मंदिर यहां पे बोला जाता है, कोई टेंशन क्या, कोई दिक्कत यहां पे नहीं होनी चाहिए ठीक है। तो मैंने यहां पे पलेटी के सूर्य मंदिर के बारे में कुछ बातें आपको यहां पे बता दी हैं, जो मेरे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट आ जाती है, कोई टेंशन क्या, बहुत सिंपल ठीक है। अब जरा से बात करना भैया कंडारा सूर्य मंदिर के बारे में, बहुत ज्यादा जानकारी तो हमें प्राप्त नहीं होती है, क्लियर है कि नहीं है, इसकी स्थिति की बात कर देता हूं, क्लियर क्या, इसकी जो स्थिति है ये हमें दिखती है भैया क्या रुद्रप्रयाग के अंदर, रुद्रप्रयाग के अंदर मुझे इसकी स्थिति देखने को मिलती है, बस यहां दूसरा भैया कब का है तो ध्यान रखना कत्यूर कालीन ठीक है ये मंदिर है, और यहां पे कत्यूर कालीन मंदिर है मैंने बोला, तीसरी बात यहां पे जो आती है इसका निर्माण, क्लियर है कि नहीं है, इसका निर्माण किसने कराया था भैया, तो यहां पे एक नाम आता है किसका, किसका पे एक कत्यूर वंशी शासक, नाम क्या था यहां पे लिख के चलता हूं ठीक है, ललित सूर देव का नाम आ जाता है, कोई टेंशन क्या, इस राजा के बारे में कत्यूर वंश के अंदर बहुत विस्तार से पढ़ा के चलूंगा, क्लियर है कि नहीं है, क्योंकि इसके अंदर तो भैया आधे घंटे का लेक्चर आ जाता है ठीक है, यहां पे जितना मेरा जरूरी है मैं उतना यहां पे बता के चल रहा हूं, क्लियर है कि नहीं है, उतना ललित सूरदेव ने यहां पे इसका निर्माण करवाया था मैंने ये बोल दिया है ठीक है। अब ये बात तो मैंने आपको कल ही बताई थी कि कत्यूर वंश का इतिहास जो है वो मैं उत्तराखंड के मध्य काल के अंदर पढ़ता हूं, क्लियर है कि नहीं है, तो जाहिर सी बात है इस मंदिर का निर्माण कहीं ना कहीं मध्यकाल के अंदर ही तो हुआ होगा, क्लियर है कि नहीं, तो इसका निर्माण कब हुआ भैया, कोई प्रॉपर डेट तो यहां पे आती नहीं है, सन इस तरह का कुछ आता नहीं है ठीक है। अब यहां पे ललित सूरदेव का हमें यहां पे क्या
शासनकाल देखना पड़ेगा, उससे मैं अनुमान लगा सकता हूं कि यहां पे हुआ होगा, क्लियर नहीं है। लेकिन ये बातें ऑथेंटिक नहीं है तो मैं इसलिए आप इसे लिख भी नहीं रहा हूं, क्लियर है कि नहीं है, बहुत ठीक है। लेकिन कहीं ना कहीं जहां भी हुआ है ये कहां हुआ भैया, ये हुआ है तुम्हारा कहां, मध्यकालीन, ठीक है, मध्यकालीन उत्तराखंड के अंदर ये हुआ है, ठीक है, बहुत सिंपल सिंपल सी ये बात हो, चलिए ठीक है। तो मैंने यहां पे आपको इस लेक्चर के अंदर क्या पे मैंने यहां पे सतपंच के अंदर मैंने यहां पे सब टॉपिक आपके पढ़ाया, कौन सा पे उत्तराखंड के सूर्य मंदिर, जिसमें आपको यहां पे तीन मंदिरों को मैंने यहां पे डिस्कशन किया, ठीक है, कटारमल का, दूसरा कौन सा पे पलेटी का, तीसरा पे कंडारा सूर्य मंदिर, ठीक है। उम्मीद करता हूं आप सभी को ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, अगर पसंद नहीं आया है तो इसे आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, क्लियर है, ठीक है ना। अगर पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इसे शेयर कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू, धन्यवाद।